हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 में निबंध लेखन के बारे में दिया है, तो आज के वीडियो में हम लोग निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में निबंध लिखने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि निबंध शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, निबंध शब्द का अर्थ है भली भांति बधा हुआ। निबंध शब्द का अर्थ क्या है? निबंध शब्द का अर्थ है भली भांति बधा हुआ। निबंध में भाव और विचार, निबंध में भाव और विचार एक सूत्र में क्या होते हैं? बधे होते हैं। इसका आकार ऐसा होता है कि इसे एक बैठक में सरलता से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, निबंध को गद्य लेखन की कसौटी माना जाता है। इसमें भाषा का मानक और प्रांजल रूप सामने आता है। यह लेखक की विषय से संबंधित जानकारी, अनुभव और विचारों की सुसंबद्ध प्रस्तुति है। इसमें लेखक को विषय से भटकने की छूट नहीं होती। विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद एक अच्छा निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले निबंध की विषय वस्तु, निबंध की विषय वस्तु के विषय में सही और पर्याप्त जानकारी क्या कर लेनी चाहिए? एकत्र कर लेनी चाहिए। दूसरा, विषय से संबंधित विचारों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद भाव में परस्पर तारतम्य बना रहे इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद विचारों की अस्पष्ट अभिव्यक्ति, भावों और कल्पना का उचित संयोग होना चाहिए। इसके बाद हमें किस बिंदु का, किस बात का ध्यान रखना चाहिए? विषय के सभी पक्षों पर लिखते समय अनावश्यक विस्तार से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। इसके बाद भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और अस्पष्ट होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और स्पष्ट होनी चाहिए। उचित शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, उचित शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। यथास्थान मुहावरों, सूक्तियों और कविता की पंक्तियों से पंक्तियों के प्रयोग से निबंध में साहित्यक पुट आ जाता है। इसके बाद हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? व्याकरण संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए वर्तनी की शुद्धि और विराम चिन्हों के प्रति क्या करना चाहिए? सचेत रहना चाहिए। और निबंध को दी गई शब्द सीमा के अंदर ही पूरा कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोग निबंध लेखन के बारे में पढ़े, निबंध लेखन के बारे में जाने, और हम जाने कि एक अच्छा निबंध लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।